फैमिली एंड टिकटॉक फैमिली। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक अपनी रेमेडी पहले शेयर की थी, इसी तरह मैं एक अप अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और मैं ना सॉन्ग्स वगैरह में बहुत कम जाती हूँ, सॉन्ग्स में जाती हूँ मतलब ऑलमोस्ट मंथ में मेरे 3 और 4 चक्कर लगते हैं, 3-4 चक्कर लगते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हेयर्स की वजह से। और हेयर्स पे भी घर में अगर 3-4 चक्कर मैं सैलून में लगाती हूँ ना, तो 30 दिन होते हैं महीने में, 30 दिन में से 24 दिन मैं घर में अपने हेयर्स पे कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहती हूँ। लेकिन फेस के लिए बिल्कुल भी, या हैंड फूड्स के लिए, हैंड फूड्स के लिए, मैंने पैडी के लिए कभी ना कभी साल में 1-2 दफ़ा बस, ज़्यादा नहीं। लेकिन पूरी बॉडी, हैंड फूड्स और फेस के लिए जो मैं ज़्यादातर करती हूँ, मैं बाय की कोई क्रीम प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली अपनी ही घर में रेमेडीज यूज़ करती हूँ। एक वो वाली जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया वो यूज़ करती हूँ, और एक ये वाली रेमेडी जो यूज़ करती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल होनी चाहिए। अगर आपके पास घर में अवेलेबल घर वाली जेल तो वो तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक राइस, अगर आपके पास बाज़ार वाले हैं तो राइस का आटा भी बना सकते हो, चावलों का आटा। अगर नहीं है तो आप घर भी बना सकते हो, ये मैंने घर पे तैयार किया हुआ है क्योंकि प्योर है, अपनी आंखों के सामने यूज़ होता है। और उसके बाद आप लोगों को चाहिए एवियन के कैप्सूल्स चाहिए। ये हर मार्केट में, हर फार्मेसी पे, हर लोकल स्टोर पे भी आपको ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और आपको चाहिए रॉ मिल्क, मतलब के कच्चा दूध। अब रेमेडी को हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए एक बाउल, जिसके लिए मैं एक बाउल ले लूँगी। बाउल जो होना चाहिए वो आपका कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक या स्टील का नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बीच में मैं ये अर्ज करूँगी अपना चावलों का आटा, 1 चम्मच, और 2 चम्मच ये मैं यूज़ कर लूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने नेक को और अपने फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इवियन के 2 कैप्सूल्स लूँगी, सॉरी 1 और 2, ये मैंने 2 कैप्सूल्स ले ली हैं। उसके लिए मुझे एक पिन चाहिए, पिन को मैं ऐसे स्टिच करूँगी अंदर, और जो ये होगा इसको हम यूज़ करेंगे बीच में इस तरह से, क्योंकि पिन का सुराख थोड़ा कम होता है तो थोड़ा सा आपका जोर लगेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह सेकंड वाला लूँगी, थोड़ा सा पिन को जैसे ऐसे करके ऐसे कर लूँ, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 कैप्सूल डाल दिए, ये देख सकते हैं। अब मैं लूँगी एलोवेरा जेल, प्योर तो नहीं है, घर वाली वाली बर्ड नहीं है, तो ये भी प्योर है। इसका 1/2 स्पून मैं इसका बीच में यूज कर दूँगी। ठीक है, अब इसको जो हमने कच्चा दूध लिया हुआ था वो यूज़ करेंगे। पहले 1 चम्मच डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा थिक है तो फिर 2 चम्मच डालेंगे। दूध जो होना चाहिए वो कच्चा होना चाहिए, फिर बता रही हूँ, थोड़ी ये गिर गया, इग्नोर करें। लेकिन इतना भी आप ना पतला पतला नहीं कर लेना कि आपका अप्लाई ही ना हो, गर्मी है तो अप्लाई करके आप एसी के आगे बैठें, एसी नहीं है तो आप पंखे के आगे बैठें,
और इतना भी थिक ना हो के लगे ही ना, अच्छी तरह से मिक्स कर देना। एवियन के कैप्सूल्स की खुशबू आने स्टार्ट हो गई है, ले ये वाली आपको इसकी चाहिए लास्ट है, ठीक है। ये हमारा रेडी है। अब हमने इसे अप्लाई कैसे करना है, आपने हैंड लेना है, हैंड ले लिया ठीक है, फेस ले लिया हैंड, जिधर भी आप पूरी बॉडी पर किधर भी लगा सकते हो आप। 7 डेज इसका रिजल्ट देखो और 7 डेज में आप इसका रिजल्ट मुझे बताओगे, इतना इसका रिजल्ट है इतना मेरे। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वेदर चेंज होगा वैसे वैसे इसके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो आपने हैंड ले लिया, एक फेस ले लिया, थोड़ा तो साइड कर देते हैं, यूँ लेना और ऐसे रबिंग कर देनी है। जितना अच्छा रब करेंगे उतना होगा, आपने रब 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 कर देना है और 30 से 40 मिनट आपने इसे अपने स्किन पे अप्लाई रखना है। और बाद में आपने टैप वाटर के साथ अपना फेस वॉश कर लेना है या जितने भी आपने लगाया। तो आपने गर्मी आजकल रोज़ लोग नहाते हैं, नेक पे, फेस पे, एल्बोस पर, बाजू पर, फूट्स पर, हैंड पर, आप हर जगह से ना यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब नहाने से 40 मिनट पहले आप इसे लगाएं और बाद में नहाने, विद इन 7 डेज आप इसका रिजल्ट देखेंगे और इतने अच्छे रिजल्ट हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर रेमेडी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाने बताएं। मैं आप लोगों की प्यारी माही अर्जी दी। अल्लाह हाफिज़।